जो पॉन्ड बनाया था ना उसके फिशेस लाने के लिए हम लोग सब जाने मिलने जा रहे हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत मेरे फार्म से शुरू करेंगे। उस दिन मैं सुबह सुबह फार्म चला गया था, सोचा कि आज जो है फिशेज रिलेटेड जो है एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे बल्कि। तो ये देखिए मैं क्या किया उस दिन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खलील के सफ़र में आप भी मेरे हम सफ़र बनिए। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज संडे का दिन है, आज सुबह सुबह मैं उठ के फार्म आया। आने के बाद क्या करा मैं आपको वो सब चीज़ें बताता हूँ। आज का व्लॉग किस लिए है और किस टॉपिक पे है आज का व्लॉग, देखिए मेरे पास 3 सीमेंट के टैंक्स है। वो टैंक्स को जो है खाली रखे हुए हैं। उसमें जो है बहुत दिन से सोच रहा था, बहुत टाइम से सोच रहा था कि उसमें जो है कोई फिशेस रखेंगे बल्कि। तो आज जो है हमारे हेल्पर को बताऊंगा कि वो जो है टैंक्स जो उसमें जो है खाली गप्पीज रखे हुए हैं वो भी बताता हूँ मैं। उसको जो है निकाल के वो टैंक्स को क्लीन करना है। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो आज ही मैं जाके कोई फिशेस जो है लेकर आऊँगा। ये यहाँ का प्रेजेंटली लुक है, ये जो है आज सुबह का लुक है। मैं हमारे हेल्पर को बताया कि किस तरह से जो है इसको क्लीन करना है बल्कि। यहाँ पर जो है जितनी भी अनवांटेड प्लांट्स है, वीड है, यहाँ से निकाल देना है। और ये भी जो है थोड़े अनवांटेड पॉट्स है, इसको भी निकाल के जो है पीछे रख दो बोला। वो वहाँ पर जो बोगनविलियास की कटिंग्स है वो वहाँ पर रख दो बोला। तो बोगनविलियास की कटिंग्स जो है किस तरह से लगाया मैं, बहुत अच्छे टेक्निक्स है मेरे पास, इंशाल्लाह आगे के वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ। वो इस साइड रख दो बोला। ये 3 सीमेंट के टैंक्स है मेरे पास, ये देखिए यहाँ पर चुमटियों का भंडार है, तो थोड़ा सा बच के जाना है यहाँ से। ये देखिए ये 3 सीमेंट के टैंक्स हैं मेरे पास। तो ये सीमेंट के टैंक्स बहुत दिन से जो है खाली रखे हुए थे। इसके अंदर मैं जो है वाटर लिलीज के थोड़े से प्लांट्स लगा दिया था, और जो है मेरे पास थोड़े गप्पीज थे, वो जो मतलब लोकल वेराइटीज़ के गप्पीज थे उसमें डाल दिया था। तो ये जो है इसमें कोई फीड वो नहीं करा था मैं। तो ये निगलेक्टेड पार्ट है, मतलब उतना ज़्यादा जो है मैं लोगों को केयरिंग वेयरिंग नहीं किया। तो अब क्या करना है मुझे, इनको जो है क्लीन करके इसके अंदर जो है पॉसिबल हुआ तो आज ही मैं जिब्रान के साथ जाके कुछ जो है फिशेस लेकर आऊँगा। मोस्टली जो है कोई फिशेस रखने का इरादा है मेरा। तो एक में मोस्टली कोईज रहेंगे, एक में मॉलीज रखूँगा, एक में अगर कोई अच्छे फिशेस मिल जाएंगे तो वो भी रखूँगा ऐसा। तो आगे तक बने रहिए, मेरे वीडियोस कंप्लीट देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये धोने के बाद का वीडियो है, क्लीनिंग हो गया। फ़िश और एक्वेरियम की हॉबी मेरी कब शुरू हुई थी और कहां से शुरू हुई थी उसका थोड़ा सा जो है मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं, उसका जो है बैकग्राउंड बताता हूं। मुझे बचपन से ही फिशेस का बहुत ज़्यादा शौक रहा है। मुझे जब याद है कि बालानगर में रहते थे हम लोग, वहाँ पर एक रोड साइड में जो है वहाँ पर एक छोटा सा जो है मोहरी जैसा जो है एक था, वहाँ पर फिशेस जो गप्पीज रहते थे। शायद मेरा भाई ये ब्लॉग देखा तो उसको याद होगा। हम लोग मिलके जो है छोटे छोटे प्लास्टिक कवर्स लेके जो है हम वो गप्पीज पकड़ते थे। ये जो है वाइल्ड गप्पीज होते थे, तो हम लोग उसको पकड़ के जो है लाकर घर पर जो है प्लास्टिक के बॉक्स जो रहते थे उसके अंदर, प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर रखते थे हम लोग। वहाँ से जो है मेरी फ़िश हॉबी की शुरुआत हुई। मुझे वो ईयर भी याद है जब मैं पहला एक्वेरियम ख़रीदा था। 1994 में मैं 500 रुपीज़ में ये एक्वेरियम ख़रीदा था, पूरा सेटअप ख़रीदा था।
तो वो टाइम इतना एक्साइटेड था, मुझे फिशेज इतने ज़्यादा पसंद थे। मेरे घर के पास में जो है एक्वेरियम शॉप थी, मैं बस बहाने ढूंढता था वो एक्वेरियम स्टोर को विज़िट करूं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के फिशेज ख़रीदूं। बल्कि ऐसे मेरी एक्वेरियम की हॉबी यानी कि फ़िशेस की हॉबी स्टार्ट हुई। उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से उनको किस तरह से रखना है वो सीखा मैं 2009 में। उस टाइम पे ऑर्कुट पे एक ग्रुप हुआ करता था एक्वेरियम हॉबी रिलेटेड का, कुछ मुझे उतना याद नहीं है। वहाँ पर मुदस्सिर से मिला था, हमज़ा से मिला था, तो वो लोग जो है मुझे प्रॉपर फ़िश किस तरह से रखना है वो सिखाए मुझे। प्लांटेड एक्वेरियम क्या होता है, सिक्लिट टैंक्स क्या होते हैं, वैसे बहुत सारे चीज़ें जो है मुझे वो लोग ही सिखाए। उनके पास जाके मैं फ़िशेज़ जो है एवरी वीकेंड वहाँ पर जाता था, उनसे जो है फ़िशेज़ के बारे में सीखता था। इस तरह से मैं 2009 में मेरा 4 फीट का टैंक्स जो है रखा। ऑलमोस्ट मेरे पास जो है 6 टैंक्स थे छोटे बड़े मिला के। YouTube पर वीडियोस देख रहा था तब जो है अकरम डेयरी फार्म का एक वीडियो देखा, जिसके अंदर ये किंग्स फिश वर्ल्ड का यानी कि खलील भाई का जो है एक एक्वेरियम शॉप है जिसमें बर्ड्स के फूड और जो है कैट्स भी मिलते हैं बोल के देखा। और इनके एक वीडियो में ये देखा मैं जो संडे के दिन कुछ ऑफ़र के फिशेज भी मिलते हैं उनके पास, जैसे कि 1 बजे से लेकर 6 बजे तक जो एक फ़िश जो है 10 रुपीज़ की मिलती है बोल के। तो हम लोग ऐसे डिसाइड करके, शायद आप लास्ट व्लॉग में देखे होंगे मैं इनके बारे में बोला था, तो हम लोग जो है वहाँ पर गए थे। वहाँ पर जाने के बाद और मैं अराउंड 4 o'clock पहुँचा वहाँ पर, बट जब तक जो है मेरा बैड लक बोल सकते हो या गुड लक बोल सकते हो, वहाँ पर जो है बहुत सारे फ़िशेज़ ख़त्म हो गए थे। जो फ़िशेज़ लेने गया था मैं वो फ़िशेज़ ख़त्म हो गए थे। मोस्टली जो है मुझे कोईज़ और गोल्ड फ़िशेज़ चाहिए थे, वो ख़त्म हो गए थे वहाँ पर, आउट ऑफ स्टॉक था बोले। फिर नेक्स्ट वीक आते बोले थे, तो मैं जो है मुझे टाइगर बाब्स बहुत पसंद आए थे, टाइगर बाब्स लिया मैं वो 10 रुपीज़ ईच। मॉलीज भी थे ऑरेंज कलर के, डल थे बट मुझे अच्छे लगे, वो भी 10 रुपीज़ ईच 10 पीस लिया मैं वो। लेने के बाद जो है मुझे उनका कैट्स का जो सेक्शन था वो देखना था। सारे लोग एक्साइटेड थे उनके कैट सेक्शन को देखने के लिए, तो हम लोग वहाँ पर गए उनके पास। मैं जो है ये फ़िशेज़ ही लेने में बिज़ी था, उसके बाद मैं भी गया वहाँ पर। खलील भाई के लिए एक छोटा सा मैसेज है, अकरम डेयरी फार्म के जो वीडियोस आते हैं उसके अंदर जो है क्लियरली टाइमिंग बताइए आप, जिससे जो है हमारे जैसे शौकीन जो बहुत दूर दूर रहते हैं वो आके आपके पास से जो है इजीली जो है फ़िशेज़ ले सके। क्यों मतलब मैं बहुत दूर से आया था फ़िशेज़ लेने के लिए बट मुझे वो फ़िशेज़ नहीं मिले, बहुत अफसोस हुआ मुझे। उसके बाद हम लोग सारे मिलके जो है इनका कैट सेक्शन में गए। वहाँ पर भी जो है पता नहीं मुझे वीडियोस में इतने अच्छे लगते हैं कैट्स, बट पता नहीं यहाँ पर उस दिन कुछ में भी सारे लोग बिज़ी थे फ़िशेज़ के सेक्शन में, तो यहाँ की उतनी साफ़ सफ़ाई नहीं दिखी मुझे। और क्या है थोड़ी सी स्मेल भी आ रही थी। मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो लोग बोल रहे थे, आप तो बोलते थे ये स्टोर बहुत ही साफ़ सुथरी है और फ़िशेज़ बहुत अच्छे रहते हैं और क्या है कैट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। बल्कि फिर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ मुझे, फिर मैं उन्हें ये सेक्शन में लेकर गया मेरी फैमिली को, तो वो लोग थोड़े से जो है मुतमईन हुए। बट यहाँ के प्राइजेस थोड़े से डिफरेंट थे और फ़िशेज़ भी थोड़े से साइज़ डिफरेंट था, तो हम लोग यहाँ से जो है वापस निकलने के लिए रेडी हो गए थे। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। आगे चल के मैं और अच्छे अच्छे एक्वेरियम रिलेटेड और फ़िशेज़ रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। जब तक खलील के सफ़र को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।